नमस्कार, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट, 26 फरवरी की बड़ी खबर। आरपीसी 7-8 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है। आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। पढ़ते हैं पूरी न्यूज़। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018, दो दिन में परिणाम नहीं तो आत्मदाह की चेतावनी। आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के सभी परिणाम दो दिन में नहीं आने पर अभ्यर्थी भूपेंद्र सावरिया ने मंगलवार को आत्मदाह की चेतावनी दी है। सावरिया समेत 3 अभ्यर्थी परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आयोग के पास 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। सांवरिया ने बताया कि आमरण अनशन का दूसरा दिन है। आयोग ने सोमवार को भी कोई परिणाम जारी नहीं किया, मंगलवार भी बीत चुका है। आयोग सचिव आशीष गुप्ता से हुई मुलाकात के बाद परिणाम आने की आस बंधी थी लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं आए हैं। आज गुरुवार है, आज यदि कोई परिणाम नहीं आता है तो अभ्यर्थियों ने अनशन तो बैठे ही है, आत्मदाह की करने की भी चेतावनी दी है। धन्यवाद दोस्तों, आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2018 से लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सभी को धन्यवाद।